Nothing is impossible. So just do it. Make your dreams come true. हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरी एक नई वीडियो में। और आज की वीडियो स्टार्ट होने से पहले मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ कि मैंने इस चैनल पर एक नई गेम की सीरीज स्टार्ट किया हूँ, जिस गेम का नाम है बियर एडवेंचर। तो आपको अगर ऐसी एडवेंचर गेम पसंद है या कोई हॉरर गेम पसंद है तो मुझे कमेंट करके बताओ, मैं नेक्स्ट टाइम उसको भी ट्राई करूंगा। तो गाइस, आज की वीडियो एक चैलेंज वीडियो होने वाली है। जैसे कि आपको मैंने कम्युनिटी पोस्ट में पूछा था कि आपको कितने सेकंड लेट स्टार्ट होने वाला चैलेंज चाहिए, तो सबसे ज़्यादा जो वोट मिले थे वो थे 5 सेकंड लेट को। तो इसका मतलब ये है कि मैच स्टार्ट होने के 5 सेकंड तक मैं कुछ भी नहीं कर सकता। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं मैं कितनी देर में चैलेंज को पूरा कर पाऊंगा। तो गाइस, अभी देखते हैं कि मेरा पहला मैच कौन सा मिलने वाला है इस गेम की तरफ से। जो भी मिले उसमें मुझे 5 सेकंड लेट स्टार्ट करना है। और ये आ गया भाई, टाइलफॉल आ गया। टाइलफॉल के अंदर भाई कभी कभी ऐसा होता है कि उनको जल्दी टाइल मिलती है, कभी कभी लेट मिलती है, लेकिन देखते हैं अभी कब मिलेगी। और अभी मेरा टाइमर भी स्टार्ट होने वाला है, गो आते ही मेरा टाइमर स्टार्ट हो जाएगा। जैसे कि आप लोग देख सकते हो, अभी 2 सेकंड हो गए, 3 हो गए, 4 हो गए, 5 हो गए, भागो। अरे यार, गले पकड़ लिया, यार गले पकड़ लिया उसने, लेकिन निकल सकते हैं कि हम लोग? हाँ, निकल जाएंगे, निकल जाएंगे। अभी तक आखिरी के टाइल तक मिल गए लोगों को भाई, बीच के टाइल मिली, यहाँ पे बस गिर गया। अरे यार, गिर गया यार, यही मैं सोच रहा था भाई, बस गिरना नहीं है। और यहाँ पर आते ही मैं गिर गया, लेकिन अभी पहुँच सकता हूँ, मैं अभी पहुँच सकता हूँ, क्योंकि ज़्यादा लोग पहुँचे नहीं है वहाँ पे। आखिरी टाइल में लेकर इंतजार कर रहे अभी लोग, और मैं एकदम आसानी से पहला राउंड, थोड़ी मुश्किल भी लेकिन गिर गया था बीच में, तो कोई बात नहीं, मैं एकदम आसानी से पहुंच गया। और ये बॉट तो अलग ही नशे में रहता है गेम के, लेकिन कोई बात नहीं। चलो भाई, पहला राउंड हो चुका हमारा क्लियर, और अभी है हमारा सेकंड राउंड आने ही वाला, देखते हैं वो कौन सा आएगा। और ये आ चुका है लॉस्ट टेंपल। भाई लॉस्ट टेंपल भी इतना खतरनाक मैप नहीं है, लेकिन इसके अंदर भी अगर टाइम आगे पीछे हुआ तो कोई भी एलिमिनेट हो सकता है जल्दी जल्दी। और यहाँ पर अभी मेरा टाइमर स्टार्ट हो जाएगा गो आते ही, और ये स्टार्ट हो गया। उसमें 1-2 सेकंड हो गए, 3 सेकंड हो गए, 4 हो गए भाई, 5 हो गए। निकल भाई, निकल निकल, जल्दी 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 पहुंचना है हमें। स्टार्टिंग में पता नहीं क्या रुक गया था, मेरे प्लेयर आगे नहीं बढ़ा था, लेकिन अभी निकलना है लेफ्ट साइड से, आऊँगा वहाँ पे खतरा है, लेकिन अभी निकल भी सकते हैं वहाँ से, निकल जाऊँगा ईजी, यहाँ से निकल जाऊँगा। अब एक जंप मार के, एक जंप ओवर डाइव निकाल के, लाल पट्टी, अरे अरे मेरे को लगा भाई, मेरे को लगा मेरा ओवर डाइव ग्लिच हो गया, खत्म हो गया मैच अभी, लेकिन अभी मैं निकल सकता हूँ। और ये एरिया सबसे खतरनाक एरिया, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग अभी भी जमा है, किसका भी धक्का अगर तुमको लगेगा तुम एलिमिनेट हो जाओगे। देखो काली टोपी वाले ने जल्दबाजी का और हट गया वो, और यहाँ पे मुझे निकलना, भाई भाई निकल यार, जल्दी निकल। अरे यार, उसकी वजह से मुझे पड़ गया, नहीं तो मैं निकल जाता आराम से। अब यहाँ पे रुकना पड़ेगा। और ये फिर ये हरी टोपी वाला बीच में आ गया यार, वो हरी टोपी वाला 2 बार बीच में आया मेरे सामने, नहीं तो मैं इजीली क्वालीफाई हो जाता। वैसे भी मैं क्वालीफाई हो चुका हूँ, तो कोई टेंशन की बात नहीं है, 2 राउंड क्वालीफाई होगा। और ये पहले ही अटैम्प्ट में 2 राउंड निकाल लिया मैंने, देखते अब 3rd राउंड कौन सा आने वाला है। अभी आने वाला है 3rd राउंड, और मैं चाहता हूँ कि भाई कोई सर्वाइवल मैप मत देना, सीधा सीधा एक रेस मैप दे दे, इसमें हो सके मैं क्वालीफाई हो जाऊँ। और ये दे दिया भाई इसने, हनी ड्रॉप ही दे दिया, इतना खतरनाक मैप दे डाला इसने। अगर इसमें मैं 5 सेकंड रुका तो मेरे 2 फ्लोर ऐसे ही गायब हो जाएंगे। और अभी गो आने के बाद 5 सेकंड चालू हो जाएगा, देखते हैं कि क्या होगा। अभी 1 सेकंड होने वाला, 1 सेकंड हुआ, 2 हो गए, 3 होगा भाई, जल्दी टाइम निकल गया, 4 हो गए, 5 जम कर। अबे यार, जम नहीं करा इसने, यार इसने जम नहीं किया। और ये मेरे साथ साथ एक शैतान भी गिर गया नीचे यार, ये मेरे सब्सक्राइबर, मेरे को ऐसे लग रहा है, और मेरे को ऐसे लग रहा है यहाँ से जम मार। अरे भाई, गले मिल गया भाई, भाई मेरे सब्सक्राइबर इतने अच्छे ना, लेकिन कभी कभार मेरे पे उल्टा भारी पड़ जाते हैं वो। जैसे कि अभी देखो, अभी अगर वो ऊपर रहता इतने अच्छे से तो मैं, हो सकता है मैं जीत जाऊँ, लेकिन वो मेरे साथ साथ नीचे गया। लेकिन कोई बात नहीं, अभी मैं क्वालीफाई होने की कोशिश करूँगा, यहाँ से मुझे निकलना है। वो राजा भी मेरे पीछे पीछे आ रहा था, और अभी देखो वो शैतान मेरे सामने खड़ा। भाई प्लीज़ भाई, गले मत मिल जाना भाई, एक और बार गले मत लगा लेना, मैं चुपचाप साइड से चलाऊंगा, तुम अपना गेम खेल लो, मैं निकल जाऊंगा साइड में, गले मत लगा। अच्छी बात है, अच्छी बात है, थम्सअप दिखा रहे हो, अच्छी बात है। और मैं यहाँ से भागूंगा अभी, वैसे तो कोई चांस बचता नहीं मेरा जीतने का, क्योंकि ऊपर टाइल बची हुई थी बहुत सारी, और कोई ना कोई तो प्लेयर बैठा ही होगा ऊपर। और यहाँ यह फिसल गया यार, तो देखते हैं अभी मेरे दूसरे अटेम्प्ट के पहले राउंड में कौन सा मुझे मैप देने वाला है। कोई इजी मैप दे देना जिसमें मैं हो जाऊँ इजीली क्वालीफाई। और ये मुझे पता हार्ट टेक, और ये दे दिया भाई कैनन क्लाइम, इसने दे डाला है कैनन क्लाइम के अंदर। अगर आप 1 सेकंड के लिए कहीं रुक जाओ तो आपका टाइम, आपका गेम वहीं खत्म हो जाएगा। और अभी देखते हैं ये मेरे 5 सेकंड रुकने का क्या नतीजा मिलता है। और मुझे टाइमर चालू हो, अभी टाइमर चालू नहीं हो रहा यार, 2 सेकंड हो गए शायद, अभी 3 हो गए, 4 हो गए, 5 हो गए शायद, निकल जा भाई, निकल जा, निकल जा। हाँ, अरे यार मेरा टाइमर स्टार्ट ही नहीं हो रहा था, मैं अपने मन से ही गिन के निकल लिया, लेकिन देखते हैं अभी मैं, अब तो भाई पक्का हो ही नहीं जाऊँगा क्वालीफाई, हो ही नहीं सकता, क्योंकि भाई मेरा पूरा ध्यान मेरे दूसरे फ़ोन पे था जिसमें मैं टाइमर चला रहा था। अब तो भाई सबसे ज़्यादा निकल गए, लेकिन शायद लग रहा हो जाऊँगा, अब पड़ गए भाई, अब ख़त्म, जो 1-2% चांस बचा था वो भी अब खत्म हो चुका है, क्योंकि आगे 16 लोग एकदम ईजिली भाग रहे होंगे मेरे आगे। और यहाँ से भी, यहाँ पर मुझे देखना, एक ना एक बॉल तो मुझे पड़ेगा ही पड़ेगा, और नहीं पड़ेगा, शायद नहीं पड़ेगा, क्योंकि अभी हो गए भाई 16 लोग दिख गए मुझे, मैं गिना तो नहीं, लेकिन देख के लग रहा था भाई 16 लोग हो जाएंगे क्वालीफाई। स्टार्टिंग में मेरे मोबाइल का टाइमर चालू नहीं हुआ, नहीं तो मैं खेल लेता जल्दी से,
और यह हमारा दूसरा अटेम्प्ट भी ऐसे खराब हो चुका है मेरा। बढ़ते हैं मेरे तीसरे अटेम्प्ट की तरफ, देखते हैं क्या क्या मिलने वाला उसके अंदर मुझे भी। अब देखते हैं तीसरे अटेम्प्ट के पहले राउंड मुझे कौन सा लेवल देगा। भाई एकदम आसान तो देगा नहीं, इतना पक्का है आसान लेवल देगा ही नहीं। पिछली बार मैं सोचा आसान देगा, उसने दे दिया मुझे कैनन क्लाइम। इस बार मुझे कुछ ऐसा ही कुछ देने वाला है, मुझे पक्का यकीन है वैसे ही मिलेगा मुझे। और ये आ गया भाई टाइल फुल, आ गया टाइल फुल। इतना हार्ड भी नहीं, इतना आसान भी नहीं है, मतलब ये मॉडरेट है, मतलब बीच का लेवल, बीच टाइप लेवल जैसे। इसमें निकाल लूँगा मैं आराम से। 5 सेकंड रुकना है, बस 5 सेकंड रुके, मुझे जल्दी भागना है, बस कोई गले ना मिल जाए इस बार। और ये 2 सेकंड हो गए, 3 हो गए, 4 हो गए, 5 हो गए, निकल पकड़ लिया भाई। अरे भाई इसने हवा में पकड़ लिया मुझे यार, इसने हवा में पकड़ लिया, मैं भी इसको गले मिलूंगा अभी। चलो अभी साइड से निकलो जल्दी जल्दी भाई, मुझे लग रहा कोई ना कोई गले मिलेगा वापस से मुझे। और इतनी ज़्यादा टाइल मिल गई लोगों को अभी, और मधुमक्खी उड़ते हुए रास्ता बना दी। चलो ठीक है, एक और टाइल मिल जाएगी कि एक और टाइल मिल जाएगी कि ताकि निकल जाए। निकल गया भाई, हो गया भाई, ये क्वालिफाई हो जाऊँगा आसानी से, मैं एकदम ईजिली क्वालिफाई हो जाऊँगा। ये अच्छी बात है, हंसता हूँ, मुँह दिखा रहा, मुझे लगा गले मिलेगा इसलिए मैं डर गया था थोड़ा। और ये पहला राउंड वापस से मैं क्वालिफाई हो चुका हूँ। अब देखते हैं सेकंड राउंड कौन सा मिलने वाला है मुझे। तो अब देखते हैं कि सेकंड राउंड में मुझे ये कौन सा लेवल देगा। और इस बार भाई कैनन क्लाइम मत देते भाई, कुछ भी दे। और ये आ चुका है भाई बॉम्बार्डमेंट। अरे यार इसको तो मैं 10 सेकंड एक जगह रुक के चालू करूँगा ना तो भी इजीली क्वालिफाई हो जाऊंगा। इतना विश्वास है मुझे अपने आप पे भी, एकदम आसानी से क्वालिफाई होने वाला लेवल ये। इसमें अगर मैं टाइमर नहीं भी गिनूँ तो एकदम आसानी से क्वालिफाई होऊंगा। यहीं पर रुकूंगा, थोड़ी देर खेलूंगा ही नहीं, मैं 5 सेकंड ऐसे ही निकल जाएंगे, मुझे पता भी नहीं चलेगा। तो देखो कितने खुश है आसपास वाले। अब मैं निकलूंगा आराम से खेलूंगा एकदम, क्योंकि बस बॉम्ब से बचना रहता है। और ये लोग मुझे पंच नहीं मारेंगे, मुझे पता है अच्छे सब्सक्राइबर है मेरे, अच्छे लोग हैं ये लोग, नहीं मारेंगे पंच वंच। लेकिन एंड में आती सबका भाई एकदम दिमाग हिल जाता है, कोई ना कोई तो पंच मार ही देता है और उन लोग से बचना पड़ेगा। 4 लोग एलिमिनेट भी हो गए जल्दी जल्दी आसानी से। 5 लोग हो गए, 3 लोग और गिर जाएंगे भाई, ईजिली क्वालिफाई हो जाएंगे लास्ट राउंड में। 3 लोग और गिर जाएंगे बस। और ये बस निकलना है मुझे यहाँ से भाई, जंप मार के निकलूँगा आराम से आराम से, कोई डरने की बात नहीं है। लाल हड्डी अभी भी गले मिलने की कोशिश में है, इससे बच के आगे निकलना, आगे जाऊंगा इससे बचना है बस। देखो फिर गले मिला मेरे से, और फिसल गया यार, फिसल गया भाई। ऐसा कोई प्लेयर आता ही आता जो गले मिलता है, इससे बचने के चक्कर में मैं एलिमिनेट हो जाता हूँ। और ये अभी 8 लोग एलिमिनेट हुए यार, थोड़ा और रुक जाता ना मैं क्वालिफाई हो जाता। तो मेरे 3 अटेम्प्ट में मैं हार चुका हूँ। देखते हैं इस बार मुझे पहला राउंड कौन सा मिलने वाला है। और ये आने ही वाला है, बस बहुत देर से लोड हो रहा आ जाएगा। आ गया भाई, ऐसे हाइट आ चुका है। ये लेवल अगर 3rd राउंड में आता ना तो थोड़ा हार्ड रहता, 2nd राउंड में आता तो भी हार्ड रहता, लेकिन ये 1st राउंड में आया इसलिए इतना हार्ड नहीं है ये। और ये 5 सेकंड रुक एकदम आराम से क्वालिफाई कर लूँगा। और ये 1 सेकंड हो गए, 2 हो गए, 3 सेकंड हो गए, 4 सेकंड हो गए, और अभी 5 हो गए। निकलो भाई, इस बार अच्छा होगा, गले नहीं मिला, फटाक से निकल जाऊँगा यहाँ पे, उड़ी मारूंगा, ट्रिक भी होगा यहाँ पे इजीली। और अभी भाई अभी तो यहाँ से जंप और डाइव मार के, एक सिंगल जंप और डाइव मार के चिपक के निकल जाना है बस। ये भाई कभी कभी होता है सर, नहीं तो हर बार टकरा के नीचे गिरता सीधे। और यहाँ पे कोई ज़रूरत थी नहीं इस ट्रिक की, फिर भी मैंने लगाया, कोई बात नहीं। और अभी इस नए अपडेट में तो भाई पंच मारने का कुछ मतलब ही नहीं, हवा में तुम्हारा प्लेयर उड़ते ही रहेगा, जितना भी पंच मार लो कुछ भी करो। और ये गली मिलेगा, मुझे पता था ये गली मिलने वाला, इसलिए मैं इसके ऊपर से जंप मार के निकल गया साइड से। और अभी 4 ही लोग क्वालिफाई हुए हैं, मैं एकदम ईजिली भाई 8वें नंबर पर क्वालिफाई हुआ, मैं 8वें नंबर पर क्वालिफाई हो चुका हूँ। मैं पहला राउंड निकल चुका, अब देखते हैं 2nd राउंड कौन सा मिलने वाला है। इस बार भाई प्लीज़ इस बार कुछ हार्ड लेवल मत देना, 2nd राउंड में इजी दे देना कोई। और आने वाला आ चुका स्पिन गो राउंड, ये भी इतना हार्ड लेवल नहीं है, थोड़ा आसान है क्योंकि बीच में बूस्ट मिल जाएगा हम लोग को आसानी से। और बस यहाँ पे थोड़ा मैं ट्रिक निकाल के अगर निकल जाओ तो हो सकता है मैं क्वालिफाई हो जाऊँ। और ये टाइमर स्टार्ट होगा हमारा, अब 1 सेकंड हो गए, 2 हो गए, 3 हो गए, 4 हो गए, भाई जल्दी 5 हो गए, निकल जा भाई निकल जा निकल जा। और ये मम्मी आया था हमसे मिलने के लिए, सॉरी भाई अभी हम नहीं मिल सकते, अभी निकलना पड़ेगा हम लोग को जल्दी जल्दी। इस हैमर से बच गया भाई, क्या गैप से निकला हूँ। अब यहाँ पे तो एकदम बस जंप और डाइव मारना है, यहाँ पे एकदम इजीली एकदम स्पीड में निकलेंगे यहाँ से, जंप और लाल पट्टी पर डाइव मारेंगे आराम से भागेंगे। और भाई एकदम ये प्लेट तो एकदम सही टाइम पर मेरे सामने आई है, बस मम्मी की वजह थोड़ा गेम इधर उधर हो गया, नहीं तो मैं हो जाता। और ये मत निकलो मत निकलो, वो सब रुक गए ईजिली भाई ईजिली। 2 लोग क्वालिफाई थे, 4 हो गए, मैं 5वें नंबर पे क्वालिफाई हुआ, 2 राउंड क्वालिफाई हो चुका है। इस बार देखते हैं 3rd राउंड कौन सा आएगा। इस बार प्लीज़ भाई तीसरा लेवल आसान दे दे, कोई हनी ड्रॉप तो बिल्कुल भी देना है मत, कोई इजी लेवल देना लेकिन हनी ड्रॉप देना ही मत बिल्कुल भी। अब देखते हैं कौन सा लेवल, लेजर ट्रेसर दे दिया यार, इसके बारे में मैं सोचा तक नहीं था कि लेवल आ सकती है लास्ट में। और अभी तो हमारी वाटी लग गई क्योंकि 5 सेकंड में लेजर पहुँच जाती है शायद अपने पास तक। और अभी देखते टाइमर स्टार्ट होएगा हमारा, अब स्टार्ट हो चुका है, 1 सेकंड हो गए, 2 हो गए, 3 हो गए, भाई ख़त्म भाई नहीं हो पाएगा, 4 हो गए, 5 जम कर, और बच गया भाई बच गया
5 सेकंड होते होते लेजर आई लेकिन मैं बच गया। और मुझे बस अभी गले मिलने वालों से बचना है, बस अभी मुझे पता है ये गले मिलने वाला था इसलिए मैं सिर्फ इसके ऊपर से कूद कूद के जा रहा था। और ये अकेला नहीं होगा, शायद इसके साथ कोई और भी होगा जो गले मिलना चाहेगा। और ये एलियन भी है जो प्यार बांटना चाहता है यहाँ पे, लेकिन हमें दोनों से बचना पड़ेगा अभी। अरे पकड़ लिया इसने, ये तो मुझे पता है एलिमिनेट नहीं करेंगे, लोग सिर्फ गले मिलना चाहते हैं। लेकिन भाई ये बहुत गलत टाइमिंग है गले मिलने का, ये लेवल बहुत गलत लेवल है। गले पंच मार रहा भाई, पंच क्यों मार रहा है? लेकिन ये अभी गले मिल रहा था, अभी पंच मार रहा है। अब मुझे बचना पड़ेगा इससे, क्योंकि इसका दिमाग घूम रहा है शायद बैठे बैठे। पहले मुझे गले मिलना चाह रहा था, मुझे इसने पंच मारने की कोशिश किया। मुझे पता नहीं इसके सर में क्या चल रहा है अभी, दिमाग में पता नहीं क्या चल रहा है। भाई भाई धक्का मत दो यार, धक्का मत दो लेजर ट्रेसर में यार, धक्का देंगे तो एलिमिनेट होने का खतरा ज़्यादा बढ़ जाता है अभी। फिर गले मिलना, अच्छा वो शायद गलती से पंच मार दिया होगा उसने। एलियन नहीं मिला शायद, एलियन ने पहली बार से ट्राई किया होगा, नहीं मिला तो वो अपने गेम पे ध्यान दे रहा है। और अभी कौन कौन एलिमिनेट हुआ देखना पड़ेगा। वर्कर भी एलिमिनेट हो गया। एलियन और रॉकस्टार जिंदा, एलियन और वो जेंटलमैन आदमी तो रहता है स्किन, वो जिंदा, ये दोनों जिंदा है अभी। देखते हैं दोनों में से पहले कौन एलिमिनेट होएगा। अब यहाँ से भाई लेजर पे भी ध्यान देना पड़ेगा मुझे, वो प्लेयर में से जो होगा वो एलिमिनेट होगा यहाँ से आराम से। भाई लेजर बहुत खतरनाक तरीके से आ रही है अभी। और ये छः लोग हो गए, ये भी हो गया एलिमिनेट। यस भाई, यस जीत गया भाई, जीत गया फाइनली भाई। इतने अटेम्प्ट लेने के बाद ये चैलेंज मैंने पूरा कर दिया हूँ, और मैंने अपना एक और चैलेंज पूरा कर दिया जो था 5 सेकंड लेट स्टार्ट चैलेंज। तो गाइस आज के लिए बस इतना है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अब मैं आपको मिलूंगा अपनी एक नई वीडियो में, जब तक के लिए बाय।